नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Honor 200 Pro 5G versus OnePlus 12R 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 6.43 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2.96 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो 200 प्रो में 0.32 इंच जबकि 12R 5G में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि 200 प्रो से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो 200 प्रो में 199 ग्राम जबकि 12R 5G में 207 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि 200 प्रो से ज्यादा है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो 200 प्रो में OLED जबकि 12R 5G में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.78 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन 200 प्रो में 1224x2700px FHD+ और 12R 5G में 1264x2780px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 200 प्रो में 90.38% जबकि 12R 5G में 90.26% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो 200 प्रो में 437 पिक्सेल प्रति इंच जबकि 12R 5G में 450 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो 200 प्रो में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। और 12R 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो 200 प्रो में 12 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और 12R 5G की बात करें तो उसमें 15 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो 200 प्रो में डुअल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और 12R 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो 200 प्रो में Adreno 735 जबकि 12R 5G में Adreno 740 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो 200 प्रो में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 और 12R 5G में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 मिलता है। बात करें RAM की तो 200 प्रो में 12 GB की RAM मिलती है जबकि 12R 5G में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 8 GB 16 GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो 200 प्रो में 512 GB की स्टोरेज मिलती है जबकि 12R 5G में 2 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 128 GB 256 GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V14 देखने को मिलती है। बैटरी 200 प्रो में 5200 mAh जबकि 12R 5G में 5500 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो 200 प्रो में 2 कलर्स जबकि 12R 5G में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो 200 प्रो में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है,
जो कि 12 GB रैम 512 GB स्टोरेज के साथ 57,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें 12R 5G की तो उसमें 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 36,565 रुपीस, 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 42,999 रुपीस, 16 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 42,776 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Honor 200 Pro 5G में 6 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें OnePlus 12R 5G की तो उसमें 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में 12R 5G आगे है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में 12R 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo V35G है, दूसरा Samsung Galaxy S24 5G है, तीसरा Xiaomi 14 Civi 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme GT6 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।